नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है चंद्रकांत ठाकुर। दोस्तों, मैं आज हाजिर हुआ हूँ आपके लिए एक नया वीडियो लेकर जिसका नाम है फ्यूनरल कस्टम्स इन हिमाचल प्रदेश। तो ये इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, एचएएस हो चाहे नायब तहसीलदार या अलाइड सर्विस, मेंस और प्री दोनों में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और जाते रहेंगे। तो शुरू करने से पहले, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, वीडियोस पसंद आ रहे हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। जो आज बात करने जा रहे हैं हम इस वीडियो में, काफी अलग सा टॉपिक है लेकिन एग्जाम के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्री एज वेल एज मेंस एग्जाम में कई बार जो एचपी के सोशल कस्टम्स हैं उनसे पूछा जाता है। दोस्तों, हम इस टॉपिक को इस वीडियो में अच्छे ढंग से कवर करेंगे और आपको इस वीडियो में काफी नई और अनोखी बातें भी जानने को मिलेंगी। डेथ होना दोस्तों एक दुखद बात है, लेकिन इसी के साथ जुड़े हैं हमारे काफी रीति रिवाज भी, जो कि हम इस वीडियो में जानेंगे। जब किसी की मृत्यु होती है या होने वाली होती है तो उस व्यक्ति को भूमि में आसन दिया जाता है। उसके शरीर को जमीन पे उत्तर दिशा की ओर सर रख के शंख को बजाकर नजदीक के लोगों और रिश्तेदारों को मृतक के घर बुलाया जाता है। डेड बॉडी को स्नान कराया जाता है, फिर सब लोग डेड बॉडी पे चद्दर बिछाकर डेड बॉडी को अच्छी तरह से कवर करके शोक अपना प्रकट करते हैं। बहुत लोग आप में से ये देख चुके होंगे। शमशान की ओर ले जाते समय रास्ते में बीच में पिंडदान भी किया जाता है, इसे अधमार्की के नाम से जाना जाता है। तीसरे या चौथे दिन अस्थियों को हरिद्वार में ले जाके गंगा पे बहाया जाता है। दसवें दिन कपड़े धोए जाते हैं, जिसे कपड़े धुलाई करना कहा जाता है। सपिंडी जो कि किसी के बेवक्त मौत मर जाने पर एक अनुष्ठान है जो कि किया जाता है। 10 दिन के बाद क्रियाक्रम किया जाता है। हर वर्ष मृतक की याद में उसके नाम का श्राद्ध भी करते हैं, काफी लोग आप में से ये जानते होंगे। किन्नौर में 3 तरह के कस्टम्स फॉलो होते हैं, जिनमें से सबसे पहला है दुबंत, दूसरा है बखंत और तीसरा फुकंत। बात की जाए दुबंत की तो इसमें डेड बॉडी को नजदीक के किसी नदी में डुबाया जाता है। बखंत में डेड बॉडी को खुला छोड़ दिया जाता है गिद्धों और पक्षियों के लिए। आखिर में बात करेंगे फुकंत की तो इसमें डेड बॉडी को जलाया जाता है। किन्नौर में जब किसी की मृत्यु होती है तो रात को सब आसपास के लोग उसके घर में इकट्ठा होकर ड्रमरथिंग की रस्म को निभाते हैं। दोस्तों, ये जो टर्म्स आ रही हैं जैसे कि ड्रमरथिंग, ये एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। ध्यान से सुनना कि क्या टर्म किस डिस्ट्रिक्ट से रिलेट करती है, आगे देखेंगे। उसके बाद डेड बॉडी को बड़े पतीले में स्नान कराया जाता है। जिस पतीले में ये स्नान होता है उसे लम्पचुन्याल के नाम से जाना जाता है। फिर उसके बाद डेड बॉडी की टांगों को मोड़ दिया जाता है ताकि उसमें कोई बुरी आत्मा न प्रवेश कर सके। लामा जो कि डेड बॉडी को बाल से पकड़कर उसके कान में 3 बार मंत्र बोलते हैं, जिन्हें फोआ कहते हैं। अगर इसके बाद डेड बॉडी के माथे पे खून दिखे तो इसे अच्छा माना जाता है। तीसरे दिन एक और रस्म होती है जिसे छोलिया छोलिया के नाम से जाना जाता है, छोलिया। और 13वें दिन दम को चांग के नाम की रस्म निभाई जाती है। पूरे 1 साल के बाद मरने वाले की याद में लामा एक रस्म अदा करते हैं जिसका नाम है फ्लैच और दल्यांग। दोस्तों, ये सभी किन्नौर से रिलेट करती हैं और एग्जाम में एमसीक्यू की फॉर्म में कई बार पूछी जा सकती हैं। लाहौल की बात करें तो यहां मृत्यु के बाद लामा सबसे पहले डेड बॉडी का सर छूते हैं, बाकी को इसकी अनुमति नहीं होती। लामा उसके कान में शरीर को छोड़ने के लिए कुछ कहते हैं, जिसे फुहान कहा जाता है। जलाने से पहले कफन को 5 टुकड़ों में तोड़ा जाता है। चिता के चारों कोनों पर टुकड़ों को लटकाया जाता है। जो 5वां टुकड़ा है वो माथे पे रख दिया जाता है डेड बॉडी के। अगले दिन अस्थियों को चंद्रभागा में ले जाकर बहाया जाता है। स्पीति में किसी की मौत पर जमवार डिसाइड करते हैं कि डेड बॉडी को जलाया जाए या दफनाया जाए या टुकड़ों में काटकर जानवरों के लिए छोड़ दिया जाए। तो ये थी कुछ अजीब और अनोखे फ्यूनरल कस्टम्स जो कि हमने इस वीडियो में समझे। उम्मीद है आपको ये वीडियो काफी हेल्पफुल लगी होगी। लास्ट में आपके लिए एक क्वेश्चन है दोस्तों, इस क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट करिएगा और कमेंट बॉक्स में अपने आंसर करिएगा। वीडियो आपको पसंद आ रहे हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।
आने वाले टाइम में और भी आपको काफी इंफॉर्मेशन से भरे वीडियो इस चैनल में आपका इंतजार करेंगे। तब तक के लिए खुश रहें, पढ़ते रहें और बढ़ते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।